सो हे गाइस, वेलकम टू MKG AKA मोबाइल गेमर। तो भाई आपका एक बार फिर से स्वागत है मेरी माइनक्राफ्ट सर्वाइवल सीरीज में। और भाई मैं आपसे सॉरी कहना चाहता हूँ क्योंकि भाई ये काफ़ी लेट हो गई है ऑलमोस्ट यार। मैंने इसका जो लास्ट पार्ट डाला था वो डाला था एक हफ्ते पहले, तो मतलब यार सॉरी मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि यार मैं इसको थोड़ा लेट कर दिया था। तो भाई अब ऐसे नहीं होगा यार, आप लोग लिखने लग गए थे आर आई पी सर्वाइवल, तो भाई ऐसा नहीं है। मैं अब इसको कोशिश करूँगा कि भाई मैं इसमें थोड़ी बहुत वीडियोज़ इसमें ज़्यादा बनाने लग जाऊँ और सर्वाइवल सीरीज़ को मतलब अच्छी तरह और कंटिन्यू करने लग जाएँ। और भाई ऐसा मैं सोचूँ कि मतलब मैं इसको बंद कर दूँगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है भाई। हमेशा तक चालू रहेगी, चाहे लेट हो ही जाए पर यार हमेशा तक चालू रहेगी, कभी भी बंद नहीं करूंगा मैं इसको। चाहे हम एंडर ड्रैगन को मार दें उसके बाद भी भाई हम इसको चालू रखेंगे, ठीक है। हम और भी चीज़ें इसमें एक्सप्लोर करेंगे, ठीक है। तो भाई चिंता मत करो, RIP सर्वाइवल लिखना बंद कर दो, ठीक है। तो यार जैसे कि आपको याद होगा पिछले एपिसोड में हमने बनाया था अपना XP फार्म, जैसा आप मेरे पीछे वहाँ देख सकते हो। और भाई वो XP फार्म तो भाई एकदम ही OP है यार। जैसा आप मेरी XP अभी देख सकते हो 42 लेवल्स है भाई। ये मैं मजाक नहीं करूँ, मैं क्रिएटिव मोड में नहीं गया हूँ। जैसा कि आप देख सकते हो मैं क्रिएटिव मोड में यहाँ पर नहीं गया हूँ। अगर गया होता तो यहाँ पर लिखा था अचीवमेंट्स कैन नॉट बी अर्न्ड इन दिस वर्ल्ड। तो भाई मैंने सारी की सारी जो XP है भाई वो उस XP फार्म से कलेक्ट किया। और भाई सही में बहुत ज़्यादा OP XP फार्म है। मैं आपको सजेशन दूंगा भाई आप मॉब XP फार्म बनाने की बजाय ना यार ये वाला जरूर बनाना। मतलब मॉब XP फार्म में एक तो टाइम बहुत ज़्यादा लगता है, रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा लगते हैं और भाई मरने के चांसेस तो काफ़ी रहते हैं। तो भाई ये वाला जो XP फार्म है काफ़ी ज़्यादा एफिशिएंट है और भाई सही में काफ़ी ज़्यादा मतलब आपको XP दे देता है। तो आप जैसे देख सकते हो मेरी 42 XP हो चुकी है। तो भाई आज हम करेंगे यार अपने डायमंड आर्मर को इंचेंट। और मैं सोच रहा हूँ कि जो मेरे पास डायमंड्स के टूल भी है, वैसे अभी तक तो मैंने सिर्फ एक पिकैक्स बनाई है और शायद एक स्वॉर्ड बनाने की सोच रहा हूँ। तो भाई उनको भी हम इंचेंट करेंगे। और भाई मैं सोच रहा हूँ आज हम जाएंगे एडवेंचर पर। तो लास्ट टाइम हम एडवेंचर पर गए थे यार जब 9th एपिसोड था उसमें गए थे, जब हमें स्ट्रॉन्ग होल्ड भी मिल गया था भाई। मतलब वो तो भाई सबसे लकी रहा था मेरे लिए। तो भाई आज हम फिर से सोच रहे हैं एडवेंचर पे जाने के लिए। और मैंने कुछ ऐसे डिसाइड नहीं किया है मतलब मैं किस चीज़ को ढूंढने जाऊंगा। मैं बस ऐसे कहीं भी निकल जाऊंगा और भाई जो भी चीज़ मिल जाएगी, या जैसे कोई विलेज वगैरह मिल गया तो भाई हम वहीं पर जाके मतलब देख लेंगे कि हमें क्या क्या मिलता है। और कोई भी अगर डेजर्ट टेम्पल वगैरह मिल गया तो हम वहीं पर जाके देख लेंगे, लूट वहाँ से थोड़ी बहुत ले आएंगे, ठीक है। तो बस भाई यही हमें आज का काम करना है। तो ठीक है, बिना किसी तरीके इस वीडियो को शुरू करते हैं। ओके यार, तो सबसे पहले आप देख सकते हो भाई मेरे पास तो है हमेशा की तरह बहुत सारा कबाड़ा। तो जल्दी से मैं इसको खाली करके आ जाता हूँ, फिर हम एंचेंट करते हैं अपने डायमंड आर्मर को। ओके यार, तो मेरे पास थोड़ा बहुत आयरन पड़ा है, तो मैं क्या सोच रहा हूँ इसको स्मेल्ट करने के लिए रख देता हूँ, क्योंकि मेरे को थोड़ा बहुत टूल्स बनाने आयरन के। तो मेरे पास ये 7 आयरन पड़ा है तो इसको स्मेल्ट करने रख देता हूँ। और मेरे को अभी थोड़ा बहुत टॉर्चेस बनाने पड़ेंगे क्योंकि भाई एडवेंचर पर जा रहे हैं, तो भाई टॉर्चेस तो काफ़ी ज़रूरी है हमारे लिए। तो ज़्यादा नहीं बनाऊंगा, मेरे ख्याल से 20 हाँ इतनी काफ़ी रहेंगी, 31 हो गई काफ़ी है भाई, तो इससे हमारा काम हो जाएगा, ठीक है। तो भाई चलो अब जल्दी से निकाल लेता हूँ मैं अपना लैपिस लजूली। भाई कहाँ पर रख दिया मैंने, तो उससे हम अभी इंचेंटिंग करेंगे। तो यहाँ पर रखा हुआ मेरा लैपिस लजूली, तो इसको मैं ले लेता हूँ। और भाई आप देखते हैं कि हमें इसमें क्या क्या मिलेगा। तो मैं सबसे पहले जो अपना डायमंड आर्मर है ना उसे उतार लेता हूँ। ओके यार, यहाँ पर मैंने अपना डायमंड आर्मर उतार लिया। तो सबसे पहले मैं देखता हूँ हेलमेट पर क्या क्या मिल रहा है। तो हेलमेट पर मिल रहा है मेरे को लेवल 3 पे ब्लास्ट प्रोटेक्शन, जो कि मेरे को नहीं चाहिए। इसमें एक्वो एफिनिटी मिल रही है पर ये लेवल 2 का है ना, तो मेरे को लगता नहीं इसके साथ कोई और एंचेंटमेंट लग के आएगी। तो और लेवल 1 में क्या मिल रहा है, प्रोटेक्शन 1, तो ये तो बेकार है। तो इसमें देखते हैं डायमंड चेस्ट प्लेट में इसमें क्या मिल रहा है हमें लेवल 3 में। इसमें मिल रहा है प्रोजेक्टाइल प्रोटेक्शन 4, भाई ये काफ़ी अच्छा है, तो मैं सोच रहा हूँ ये ले लो। और मेरे को लग रहा है इसके साथ और भी कोई एंचेंटमेंट लग के आएगी, तो मैं यहाँ पर लैपिस डालता हूँ और ये ले लेता हूँ। तो देखते हैं इसमें क्या क्या हमें मिला है। ओ भाई आप यहाँ पर देख सकते हो हमें क्या क्या चीज़ें मिली है। इसमें हमें मिला है प्रोजेक्टाइल प्रोटेक्शन 4, थॉर्न्स 2 और अनब्रेकिंग 3। यार एकदम OP हमें इसमें एंचेंटमेंट्स देखने को मिली हैं। तो अब देखते हैं भाई हमारा जो डायमंड हेलमेट है उसमें क्या क्या देखने को मिला है। ओके ओ भाई आप यहाँ पर देख सकते हो इसमें हमें मिल चुका है एक्वा एफिनिटी 1, पर भाई अगर रेस्पिरेशन मिल जाता तो काफ़ी अच्छा होता। तो चलो यार मैं सोच रहा हूँ एक्वा एफिनिटी 1 है, इसके साथ हमें और कुछ भी मिल जाएगा। तो मैं यहाँ पर लगता हूँ रैपिस और यहाँ पर इसको ले लेता हूँ मैं जल्दी से। तो देखते हैं इसमें और क्या क्या लग के आया है। ओके तो इसमें लग के आया एक्वा एफिनिटी 1 और यहाँ पर लग क्या है अनब्रेकिंग 3, जो कि भाई काफ़ी ज़्यादा OP है। और मेरी अभी XP भी थोड़ी बहुत बची है, तो मतलब मैं और इंचेंट कर सकता हूँ आराम से। तो मतलब मैं जो अपने डायमंड के बूट्स हैं और जो डायमंड लेगिंग्स हैं इनको इंचेंट कर सकता हूँ। तो जल्दी से मैं देखता हूँ भाई मेरे को अपने डायमंड लेगिंग्स पे क्या मिल रहा है। तो इस पे मिल रहा है मेरे को थॉर्न्स 2, प्रोटेक्शन 2 और फायर प्रोटेक्शन 1, जो कि अभी देखते हैं, अभी इसको देखता हूँ बूट्स पे। तो इसमें मिल रहा है मेरे को प्रोटेक्शन 3। ओके तो मेरे को अच्छा लग रहा है प्रोटेक्शन 3, तो मैं क्या सोच रहा हूँ ना इसमें लगा लेता हूँ मैं प्रोटेक्शन 3 और देखते हैं इसमें क्या मिलेगा हमें। अबे यार से प्रोटेक्शन 3 मिला यार, ये क्या यार, मतलब चलो यार इसमें मैं एनविल से ना बाद में कुछ ना कुछ लगा लूंगा, ठीक है। तो अब देखते हैं भाई हमें अपनी डायमंड की लेगिंग्स पे क्या मिलता है। तो देखते हैं यहाँ पर इसमें अभी भी प्रोटेक्शन 3 है भाई। ओके यार, तो मैं सोच रहा हूँ यहाँ पर प्रोटेक्शन 3 लूँ या ना, उससे पहले मैं देखता हूँ मैं डायमंड पिकैक्स पे क्या मिल रहा है। ओके तो इस पे मिल रहा है मेरे को सिल्क टच, यहाँ पर भी सिल्क टच और यहाँ पर अनब्रेकिंग 1। ओके यार, तो मेरे को इतनी कुछ खास एंचेंटमेंट्स लग नहीं रही। मैं सोच रहा हूँ सिल्क टच लेने की, पर मैं ये सोचूँ भाई इसको ज़रूरत है मेरे को या नहीं। ओके यार, मैं सोच रहा हूँ यार डायमंड पिकैक्स अभी रहने देता हूँ मैं, जल्दी से जो अपनी डायमंड लेगिंग्स है ना इनको एंचेंट कर लेता हूँ। और यहाँ पर मेरे को क्या मिल रही थी भाई देख लूँ पहले, यहाँ पर मेरे को प्रोटेक्शन 3 मिल रही थी ना, तो मैं ले लेता हूँ और देखते हैं इसके साथ क्या मिलता है हमें। ओ भाई इस पर भी भाई काफ़ी ऑसम एंचेंट
स्टैंडर्ड्स लग के आ गए हैं, तो इस पे हमें देखने को मिलता है प्रोटेक्शन 3, थॉर्न्स 2 और अनब्रेकिंग, अनब्रेकिंग 3 हमें देखने को मिल जाती है। तो भाई ये जो हमारा डायमंड हार्मर है हो चुका है पूरा का पूरा एंचेंट, और भाई जो मेरी एक्सपी है वो भी हो चुकी है, मतलब पूरी 30 तक खत्म हो चुकी है। तो काफ़ी अच्छी बात है भाई कि हमारा जो डायमंड हार्मर है वो हो चुका है पूरा एंचेंट। और अब देखते हैं भाई पिकैक्स में हमें क्या देखने को मिलता है। तो यहाँ पर देखा जाए अभी भी सिल्क टच यार इस पर अटका हुआ है ये। ओके तो यार इसको रहने देते हैं। तो यार जल्दी से मैं सोच रहा हूँ एक डायमंड की स्वॉर्ड बना लूँ, क्योंकि मेरे पास डायमंड की स्वॉर्ड है नहीं अभी तक। तो मैं यहाँ पर देखता हूँ क्राफ्टिंग टेबल में जाता हूँ, और मेरे पास लकड़ियाँ भी नहीं है, तो मैं जल्दी से लकड़ियाँ भी लाऊँ पहले यार। ओके तो सबसे पहले मैं बना लेता हूँ प्लैंक से लकड़ियाँ, और इससे बना लूँगा मैं जल्दी से अपनी डायमंड की स्वॉर्ड। ओके तो आप देख सकते हो भाई हमारे पास आ चुकी है अपनी डायमंड की स्वॉर्ड, जो कि भाई काफ़ी औसम लग रही है। तो चलो भाई अब एन्चेंटिंग टेबल पर चलता हूँ और यहाँ पर देखता हूँ इसमें क्या मिल रहा है। इसमें मिल रही है स्माइट 4, ओ भाई साहब खतरनाक एकदम। तो स्माइट 4 ले लेता हूँ और देखते हैं इसमें क्या लग के आएगा। ओके म्यूजिक अबे यार इसमें भी स्माइट 4 ही लग गया। अबे यार क्या मतलब मजाक चल रहा है क्या यहाँ पे यार। तो यार यहाँ तो हमारा मतलब बेवकूफ बन चुका है। तो यार इतना हमें इसमें मिला नहीं डायमंड स्वॉर्ड में। चलो पर कोई बात नहीं भाई, एनविल से हम कुछ ना कुछ बाद में लगा ही लेंगे इसमें। ओके तो अब देखा जाए तो हमारा जो आर्मर है पूरा का पूरा एंचेंट हो चुका है, और मेरे को अभी बनाने हैं थोड़े बहुत टूल्स। तो जल्दी से मैं बना लेता हूँ आयरन की पिकैक्स, यहाँ पर एक आयरन की शवल, और साथ ही साथ मेरे को बनानी है एक आयरन की एक्स भी। ओके तो यहाँ पर मैंने अपने इंपॉर्टेंट टूल्स बना लिए, और मेरे पास शील्ड ऑलरेडी है, और मैं जल्दी से अपनी जो बोट है वो निकाल लेता हूँ, क्योंकि भाई एडवेंचर पर जाना है तो बोट तो चाहिए ही होगी। तो यहाँ से मैं देखता हूँ मेरी बोट है कहाँ पर। ओके तो यहाँ पर है मेरी बोट, तो यहाँ से मैंने ले ली अपनी बोट। और मेरे को क्या चाहिए, खाना है। खाना की कमी वैसे होने तो नहीं चाहिए मेरे पास, तो फिर भी यार मैं सेफ रहने के लिए थोड़ा बहुत और रख लेता हूँ। तो देखता हूँ सबसे पहले मेरे पास है खाना या नहीं। ओके तो यहाँ पर मैंने थोड़ा बहुत कैरेट्स रखी हैं भाई, ज़्यादा रख लिया मैंने, थोड़ा यहाँ पर रख देता हूँ। और जो डायमंड्स इनको संभाल के रख लेता हूँ, और कोल यहाँ पर मैं वापस रख देता हूँ। ओके तो देखा जाए तो अभी हमारे पास सारी की सारी जरूरी चीज़ें हो चुकी हैं, हमारे पास बोट भी, और यहाँ पर एक बेड ले लेता हूँ भाई। बेड कैसे भूल गया मैं। ओके तो यहाँ से मैं ले लेता हूँ अपने लिए बेड। ओके यार तो हम हो चुके हैं पूरे के पूरे तैयार। जैसा आप देख सकते हो मेरे पास सारे के सारे टूल्स हैं, हम पूरे के पूरे एंचेंटेड हैं, और यार हमारे पास एक एंचेंटेड डायमंड की स्वॉर्ड। पर यार मेरे को दुख हो रहा है इसमें सिर्फ स्माइट 4 लग गया यार, मतलब भाई मजाक हो गया बिल्कुल हमारे साथ। तो पर कोई बात नहीं भाई, हम इसमें बाद में एनविल से एंचेंटमेंट्स लगा लेंगे, ठीक है। तो चलो भाई अब चलते हैं बाहर एडवेंचर पे, और देखते हैं भाई हमें कहाँ पर जाना है। तो यार मैं वहाँ पर सामने तो जा ही चुका हूँ, और मैं सोच रहा हूँ इस बार हम यहाँ पर जाने की कोशिश करें। हम कभी भी मतलब मैं गया हूँ यहाँ पर ज़्यादा दूर नहीं गया हूँ। तो चलो भाई इस बार हम इस साइड जाने की कोशिश करते हैं, और देखते हैं हमें यहाँ पर क्या क्या चीज़ें देखने को मिलेंगी। तो वैसे देखा जाए तो यहाँ पर तो एक विलेज ही है, तो हमें विलेज से आगे जाना है भाई ऑब्वियसली। तो देखते हैं हमें क्या क्या देखने को मिलेगा। वैसे मेरे को पता है आगे समुंदर देखने को मिलता है, पर भाई समुंदर से आगे मैं कभी गया नहीं हूँ। तो चलो भाई चलते हैं हम वहीं पर। ओके यार तो जैसा आप यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पर समुंदर आ चुका, और भाई सामने देखो पिलेजर क्या कर रहा है यहाँ पर। ओके तो इसका ये हेड तो नहीं है, पर इसको मैं जल्दी से मार देता हूँ इस डायमंड स्वॉर्ड से। अरे भाई यार क्यों मार रहा है मेरे को, क्यों मार रहा है तू। अबे भाई इसने कितनी हेल्प कर दी मेरी। ओके तो आप देख सकते हो इसने एक एमरल्ड ड्रॉप किया, तो काफ़ी अच्छी बात है। तो इससे हमें ज़्यादा कुछ फायदा तो हुआ नहीं। वैसे यार आज तक हमने कभी अपने विलेज पे रेड भी नहीं करवाई है, तो कभी देखेंगे जब कभी रेड करवाएंगे हमें इस विलेज पे। तो यार जल्दी से मैं ले लेता हूँ अपनी यहाँ पर बोट, और चलो चलते हैं अब अपने एडवेंचर पे। मतलब एडवेंचर क्या है ये, चलो यार सी पे चलते हैं। और सामने देख सकते हो मशरूम देखने को मिलते हैं, वैसे मैं सोच रहा हूँ इनको लूँ या नहीं। चलो यार रहने देता हूँ, कि मशरूम तो कभी ना कभी हम उगा ही सकते हैं अपने आप। तो चलो भाई देखते हैं और आगे चलते हैं, और देखते हैं हमें क्या क्या देखने को मिलेगा आगे। 5 minutes later. ओ गाइस तो आप यहाँ पर देख सकते हो भाई हमें मिल चुका है एक मतलब शिपरेक, और सामने मेरे को दिख रहा है एक नेदर पोर्टल, जो कि मतलब रुइन पोर्टल है, और वो अंडरग्राउंड है। अगर आपको नहीं दिख रहा हो तो मैं अभी आपको वहाँ पर जाके दिखाता हूँ, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख सकते हो भाई यहाँ पर हमें मिल चुकी है एक मतलब शिपरेक, जो कि भाई हमारे लिए काफ़ी अच्छी बात होगी। तो सबसे पहले जो अपनी शील्ड है ना इसको उतार देता हूँ, क्योंकि भाई ये काफ़ी दिक्कत करी है देखने में। तो मैं अपनी बोट छोड़ता हूँ, और भाई आप यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पर हमें शिपरेक देखने को मिल जाता है। तो भाई मैं सबसे पहले अपनी सांस भर लूँ ऊपर जाके एकदम अच्छी तरह। वैसे मेरे पास यार वो तो है ही ना रेस्पिरेशन जो मेरे को मिला था, सॉरी रेस्पिरेशन नहीं एक्वा एफिनिटी। तो यार मेरे को लग नहीं रहा है मैं यहाँ पर इतनी जल्दी जा पाऊंगा, तो जल्दी से मैं अपनी जो एक्स है ये निकाल लूँ। और चलो भाई चलते अब सीधा नीचे। ओके यार तो मैं बिल्कुल भी यहाँ पर मरना नहीं चाहता, तो सबसे पहले ना मैं यहाँ पर ये जो है इनको खोल लेता हूँ, ताकि मैं आराम से नीचे जा सकूँ। और भाई मेरे को लग नहीं रहा मैं यहाँ तक पहुँचूंगा, सबसे पहले यहाँ पर दरवाज़ा खोलता हूँ। ओके मैंने खोल तो दिया है, तो मतलब यहाँ से जा सकते हैं। और सबसे पहले मैं ऊपर चल लूँ भाई, देख सकते हो कितना मुश्किल है यहाँ पर ट्रेजर को लेना। ओ भाई मेरी हेल्थ देख सकते हो भाई कितनी ज़्यादा तेज़ कम हो रही है। ओके यार तो मेरे को लग रहा है काफ़ी मुश्किल है यहाँ से अभी लेना। तो चलो भाई एक बार फिर से हम ट्राई करते हैं, इस बार हमें उस दरवाजे के अंदर जाके सारी की सारी चीज़ें ले लेनी है। तो चलो यार चलते हैं यहाँ पर फिर से नीचे एक बार। ओके यार इस बार यार प्लीज़ मरियो मत, मतलब मरियो हो गया इस बार अगर ख़त्म हो गई ना वो। ओके यार तो आप यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पर हमें चेस्ट देखने को मिल जाती है, और भाई मेरी हेल्थ एक बार फिर से मतलब मेरी जो ब्रीदिंग पावर है एक बार फिर से कम हो चुकी है।
ओ भाई यार ऊपर चल ले मेरे भाई, ऊपर चल ले। ओ भाई सही में आप देख सकते हो भाई कितना मुश्किल है यहाँ पर। और भाई आप सामने देख भी सकते हो भाई रात हो चुकी है। अब यार कितने बुरे टाइम पे हम यहाँ पर फंस चुके हैं। तो मैं क्या सोच रहा हूँ भाई, मैं अभी यहाँ पर बेड भी कहाँ पर लगाऊँ यार, मेरे को सही में समझ में नहीं आ रहा है। ओके तो मैं क्या सोच रहा हूँ ना, यहाँ पर एक शिप के जो ऊपर से ना, यहाँ पर मैं बिल्डिंग करना स्टार्ट करता हूँ इन ब्लॉक से, ताकि मैं ऊपर एक बेड लगा लूँ। ओके तो यहाँ पर मैं बिल्ड करता हूँ और मैं एकदम ऊपर बिल्ड कर देता हूँ, ताकि भाई यहाँ पर एक बेड लगा लूँ मैं अपने लिए आराम से। ओके तो अब लग जाइए भाई। ओके आप यहाँ पर लग चुका है बेड, तो यहाँ पर जल्दी सब सो जाते हैं भाई। ओके भाई तो अब हमारा जो खाम है वो ये बिना मरे सीधा वहाँ पर जाके जो ट्रेजर है वो लेके आना है। तो यहाँ पर मैं जो अपना बेड है यहाँ पर निकाल लेता हूँ इसको से। अरे भाई यार टूट जा जल्दी। ओके तो यहाँ से देख सकते हो यहाँ पर मैं ले लेता हूँ अपना ट्रेजर मैप, और मेरे को कुछ भी नहीं लेना है वहाँ पर, सिर्फ पेपर ही पेपर पड़े हुए हैं। तो यहाँ पर अब जल्दी से ऊपर चलते हैं और हम बिना मरे आराम से पहुँच जाएंगे ऊपर। ओके गाइस तो यार फाइनली हम ऊपर आ चुके हैं और हमने वहाँ से ले लिया ट्रेजर मैप। अब आप सोच रहे होगे कि भाई और कुछ तो मिला नहीं, पर भाई कोई बात नहीं, मेरे लिए इतना ही काफ़ी है, मेरे को ट्रेजर मैप मिल चुका है। तो चलो भाई अब देखते हैं हमारा जो ट्रेजर है वो है कहाँ पर। ओके तो मेरे को लग रहा है भाई सामने ही है, मेरे को लग रहा है जो ट्रेजर है, मतलब सामने वाला जो आइलैंड है मेरे को वहीं पर लग रहा है ट्रेजर। तो आप यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पर जो रेड मार्क है वो सामने ही दिखा रहा है, तो इसको मैं ले लेता हूँ अपने लेफ्ट हैंड में। और चलो चलते हैं हम अपनी बोट में और देखते हैं भाई हमें ट्रेजर में क्या क्या मिलेगा। और भी सही में ट्रेजर को ढूंढना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है, पर हम कोशिश करेंगे इसको ढूंढने की। ओके यार तो मैं बैठ चुका अपनी बोट में, तो चलो अब चलते हैं सामने और देखते हैं भाई हमें ट्रेजर कहाँ पर मिलता है। ओके यार तो सामने वाला जो आइलैंड है इस पे तो नहीं है, बिल्कुल नहीं लग रहा है मेरे को। उसके सामने वाला जो आइलैंड है आप वहाँ पर देख सकते हो, वहाँ पर लग रहा है मेरे को। और गाइस मैं आपको एक चीज़ दिखाना भूल गया, मेरे को यहाँ पर एक रुइंड पोर्टल दिखा था, जैसा वहाँ पर देख सकते हो वहाँ पर एक रुइंड पोर्टल है। तो मैं आपको जल्दी से वहाँ पर दिखा देता हूँ और देखता हूँ भाई वहाँ पर चेस्ट में हमें क्या देखने को मिलेगा, क्योंकि ऑब्वियसली भाई वहाँ पर एक चेस्ट होती है। तो चलो वहाँ पर जाके देखते हैं कि हमें वहाँ पर क्या देखने को मिलता है। ओ भाई ये काफ़ी सही है, यहाँ पर मैग्मा ब्लॉक की मदद से मैं जा पा रहा हूँ। ओके तो यहाँ से मैं देखता हूँ चेस्ट में क्या है। ओके भाई तो यहाँ पर हमें थोड़ा बहुत ऑब्सीडियन, यहाँ पर हमें गोल्डन कैरेट्स और यहाँ पर एक पिकैक्स, सॉरी पिकैक्स नहीं एक्स, और यहाँ पर हमें थोड़ा बहुत नगेट्स मिल गए। तो चलो भाई अब चलते हैं ऊपर। और भाई ये जो चेस्ट थी काफ़ी ज़्यादा मस्त थी, और भाई देख सकते हो मेरी अभी जो ऑक्सीजन है काफ़ी ज़्यादा बचा है, ऑक्सीजन ही सॉरी। अब यार मैं नीचे क्यों जा रहा हूँ। ओके भाई तो मेरे को संभाल के जाना पड़ेगा यहाँ पर। तो आप यहाँ पर देख सकते हो मैं आ चुका हूँ बिल्कुल यहाँ पर इसके पास। तो मैं अपनी जो बोट है यहाँ पर पार्क कर देता हूँ और देखते हैं भाई कहाँ पर हमारा ट्रेजर। तो मैं एकदम इसके बीचों बीच जाने की कोशिश करता हूँ। तो सबसे पहले भाई मैं इसको अपने हाथ में ले लूँ। ओके तो देखा जाए तो यहाँ पर हम अभी ट्रेजर के बीचों बीच नहीं है, तो यहाँ पर जाने की कोशिश करता हूँ। और मेरे को लग रहा है यहाँ पर शायद हो ट्रेजर। ओके तो मेरे को थोड़ा सा यहाँ पर साइड होना पड़ेगा, और मेरे को लग रहा है यहाँ पर है नीचे है ट्रेजर, मतलब ये वाला जो देख रहे हो ना एरिया, इसके नीचे होगा ट्रेजर। तो भाई चलो यहीं पर डिक करने की कोशिश करते हैं और देखते हैं भाई यहाँ पर हमें ट्रेजर देखने को मिलता है या नहीं। तो यहाँ से मेरे को अब शवल से डिक करना पड़ेगा। ओके भाई नीचे चल ले। अबे ओ भाई हम देख सकते हो यहाँ पर हमें चेस्ट देखने को मिल जाती है। और भाई सबसे पहले मैं ऊपर चल लूँ, क्योंकि भाई देख सकते हो मेरी जो ऑक्सीजन है वो खत्म हो चुका है। मैं ऑक्सीजन क्यों बोल रहा हूँ भाई बार बार। ओके तो मैं आ चुका हूँ ऊपर, और भाई देख सकते हो नीचे हमें देखने को मिल गई चेस्ट। भाई बिल्कुल हम सही गए यार, मतलब देख सकते हो कितना लकी हूँ मैं। ओके यार तो हमें मिल चुकी है यहाँ पर चेस्ट। तो चलो भाई चलते हैं जल्दी से नीचे और देखते हैं भाई इस चेस्ट में हमें क्या क्या लूट देखने को मिलती है। तो मैं जल्दी से यहाँ पर नीचे चलता हूँ और यहाँ से चेस्ट जो है खोल लेता हूँ। ओ भाई आप देख सकते हो यहाँ पर हमें क्या क्या चीज़ देखने को मिल गई। यहाँ पर हमें TNT देखने को मिल गया है, आयरन के इंगट्स देखने को मिल गए हैं, और यहाँ पर हमें पूरा का पूरा आर्मर भी देखने को मिल गया है। तो भाई हमें बाद में लेता हूँ आर्मर, सबसे पहले मैं ऊपर चल लूँ भाई। ओके अरे भाई ऊपर चल ले मेरे भाई। ओके तो आप यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पर हमें पूरा का पूरा वो चेन वाला क्या बोलते हैं वो मिल चुका है। और भाई मेरी फिर से यार एक बार स्पेस खत्म हो चुका है, तो मेरे को एक बार फिर से ऊपर जाना पड़ेगा और देखते हैं भाई मैं और क्या क्या फेंकना चाहता हूँ। ओके यार तो अब देखते हैं हम क्या क्या ले सकते हैं यहाँ पर। ओके तो ये एक बार फिर से खोलता हूँ मैं, और हमें यहाँ पर देखने को मिला था हार्ट ऑफ द सी, म्यूजिक डिस्क, और बॉटल ऑफ इंचेंटिंग, और पोशन ऑफ वाटर ब्रीदिंग, जो कि भाई काफ़ी ज़्यादा औसम चीज़ है। तो चलो भाई चलते हैं ऊपर। और मेरे को लग रहा है इस चेस्ट के नीचे एक और चेस्ट भी हो सकती है, वैसे होनी तो नहीं चाहिए, वैसे नहीं होती यार, ऐसा नहीं होता एक चेस्ट के नीचे दूसरी चेस्ट नहीं होती है। ओके यार तो हमने जो अपना ट्रेजर है वो पूरा का पूरा ले लिया है। तो देखते हैं भाई हमें क्या क्या मिला है इस ट्रेजर में। ओके तो आप देख सकते हो सबसे पहले हमें मिल चुका है हार्ट ऑफ द सी, जो कि भाई कॉन्ड्यूट बनाने के लिए काफ़ी काम आएगा। और हमें मिल चुका है चेन चेस्ट प्लेट, मतलब चेन का पूरा पूरा आर्मर। अब ये इतना काम का क्या है मेरे को इतना कुछ इसका बारे में पता नहीं है। और बॉटल ऑफ इंचेंटिंग मिली है जो कि अच्छी बात है, पर इसमें इतना कुछ मिलता नहीं। और सबसे अच्छी बात मेरे को TNT मिला है, और यहाँ पर थोड़ी बहुत गोल्डन कैरेट जो कि पहले मेरे को मिल चुकी थी। तो देखा जाए तो भाई ये जो पूरे का पूरा जो ट्रेजर था काफ़ी अच्छा था ट्रेजर में, इसके अलावा ज़्यादा कुछ मिलता भी नहीं है, तो हम ज़्यादा कंप्लेन नहीं कर सकते। तो चलो भाई ये तो हो गया हमारा पूरा का पूरा ट्रेजर ढूंढना, तो मेरे को लग नहीं रहा आगे कुछ बचा है हमारे लिए देखने के लिए। तो चलो भाई घर वापस चलते हैं और देखते हैं हम और वहां पर क्या कर सकते हैं। 5 minutes later. Okay, तो आप यहां पर देख सकते हो मैं अपने घर वापस आ चुका हूं, और भाई सीरियसली यहां पर काफी टाइम लग गया, इसकी वजह से रात भी हो चुकी है। चलो भाई यहां पर मैं जल्दी से अपने घर वापस आ चुका हूं। तो सबसे पहले मैं अपना जितना भी बेकार का सामान है, मतलब जितना भी मेरे को इंपॉर्टेंट सामान मिला है ना, उसको खाली कर लेता हूं, और चलो भाई फिर हम बाहर चलते हैं। ओके यार तो चलो अब देखते हैं भाई हमें क्या क्या चीज़ें अपनी जर्नी पे मिली। तो सबसे पहली जो चीज़ है हार्ट ऑफ द सी, जो कि भाई काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग है। यहाँ पर म्यूजिक डिस्क
देखने को मिलती है, जो कि भाई मेरे को इतनी कोई जरूरत है नहीं। पोशन मिल देखने को मिल जाता है, जो कि भी काफ़ी अच्छी बात है। यहाँ पर थोड़ा बहुत गोल्ड देखने को मिल जाता है, और यहाँ पर हमें आयरन के नगर देखने को मिल जाते हैं, जो कि काफ़ी अच्छी बात है, पर कोई बात नहीं भाई। और यहाँ पर हमें पूरा पूरा एक चेन का आर्मर देखने को मिलता है, मतलब इसमें सिर्फ हेलमेट मिसिंग है। और भाई वैसे मेरे को चेन का आर्मर इतना कुछ पसंद है नहीं, पर कोई बात नहीं, हमें मिल गया तो अच्छी बात है। और यहाँ पर बॉटल ऑफ इंचेंटिंग, इसको मैं यूज़ कर ही लेता हूँ भाई, इसको क्यों ऐसे वेस्ट करना, इसको मैं यूज़ कर लेता हूँ। और भाई देख सकते हो कितनी सी एक्सपी बढ़ी भैया, मतलब मजाक हो गया हमारे साथ। और यहाँ पर जो हमारे पास थोड़ा बहुत एमरल्ड मिला था, एक ही मिला था, वो थोड़ा बहुत क्या बोल रहा हूँ मैं, और यहाँ पर ऑब्सीडियन मिला था, यहाँ पर TNT मिले थे, और यहाँ पर मेरे को गोल्डन एक्स मिली थी जो कि मतलब इंचेंटेड है, और यहाँ पर मेरे को गोल्डन कैरेट मिली थी जो कि भाई काफ़ी ज़्यादा औसम है, और हम शायद अपने लिए नाइट का पोशन बना सकते हैं, जो कि भाई काफी अमेजिंग बात हो जाती है। ओके, और देखा जाए तो और हमें ज्यादा कुछ मिला नहीं, थोड़ा बहुत आयरन मिले थे तो मैंने वो रख लिए। और भाई चलो अब चलते हैं बाहर और देखते हैं भाई और हमें क्या क्या देखने को मिलता है। चलो भाई अब देखते हैं हम अब हमें कहां पर जाना है, तो यहां पर मैं बाहर निकलता हूं। ओके भाई, तो मैं सोच रहा हूं भाई अभी हम जाते हैं उस तरफ, क्योंकि भाई उस तरफ तो मैं सीरियसली कभी भी नहीं गया। मैं मतलब उस तरफ भी गया था, यहां इस तरफ गया था, ऑफलाइन में गया था, तो भाई यहां तो कुछ भी नहीं है, मतलब सिर्फ समुद्र ही और ऊबर खाबड़ रास्ता है पूरा का पूरा। पर मैं यहां पर इस तरफ इस माउंटेन के पीछे गया, यहां पर मैं कभी भी नहीं गया। तो चलो भाई यहां पर चलते हैं और देखते हैं भाई यहां पर हमें क्या देखने को मिलता है। तो चलो भाई सबसे पहले मेरे को यहां से साइड से जाना पड़ेगा, माउंटेन से चढ़ के तो मैं जाऊंगा नहीं। ओके, तो चलो यहां पर देखते हैं यहां पर हमें क्या क्या देखने को मिलेगा। ओ गाइस, तो मेरे को लग रहा है सामने मतलब एक प्लेन सा पूरा का पूरा रीजन है। और जी हाँ गाइस, और गाइस आप सामने देख सकते हो भाई हमें मिल जाता है एक विलेज। भाई आर यू सीरियस यार, मेरे घर के इतने पास एक विलेज था, और भाई किसी ने मेरे को सही में कमेंट्स में भी नहीं बताया। चलो अच्छी बात है, वो किसी ने नहीं बताया, स्पॉइलर देना ऐसी अच्छी बात नहीं है, पर भाई सही में मेरे को बिल्कुल भी रियलाइज नहीं होता यहाँ पर एक विलेज है भाई मेरे, वो भी मेरे घर के इतने पास, और डेजर्ट विलेज है। तो यहाँ पर हमें लूट की तो कोई कमी होगी नहीं। तो भाई अब देखते हैं हमें क्या क्या यहाँ पर लूट देखने को मिलती है। तो सबसे पहले मैं ये वाला दरवाज़ा खोलता हूँ, यहाँ पर चेस्ट नहीं है। तो चलो भाई मैं जल्दी से जो पूरा का पूरा विलेज है इसको लूटता हूँ, और देखते हैं हमें इसमें क्या क्या देखने को मिलेगा। ओके यार, तो यहाँ पर हमें एक चेस्ट देखने को मिल जाती है, और इसमें भाई कुछ भी नहीं है, सिर्फ यहाँ पर ब्रेड ही ब्रेड है, तो इसको मैं ले लेता हूँ। और यहाँ पर थोड़ा बहुत बीट है, इसको भी ले लेता हूँ। कैक्टस की मेरे को कोई जरूरत नहीं है, तो इसको मैं बंद कर देता हूँ, और भाई आगे जाके देखते हैं और हमें क्या मिलता है। और मैं सोच रहा हूँ ना जो बेल है ये ले लेता हूँ, क्योंकि भाई अभी तक मेरे पास कोई बेल नहीं है, तो इसको ले लेता हूँ मैं। वैसे इसकी को मेरे को कोई जरूरत है नहीं, पर भाई फिर भी ऐसे डेकोरेशन के लिए मैंने ले ली। ओके यार, तो ये वाली जो बिल्डिंग है यहाँ पर एक हमें चेस्ट देखने को मिलती है ऊपर, तो देखते हैं भाई यहाँ पर हमें क्या देखने को मिलता है। ओके, तो ये चेस्ट है, और भाई इसमें भी कुछ भी नहीं है भाई, सीरियसली यार आर यू किडिंग मी, यहाँ पर सिर्फ वीट और यहाँ पर ब्रेड ही हमें देखने को मिली। तो भाई यहाँ पर कुछ भी नहीं है यार, हमें बस यहाँ पर बेवकूफ बनाया जा रहा है। ओके गाइस, तो यार मैं पूरा का पूरा यहाँ पर विलेज घूमा है, और भाई सही में मेरे को कुछ भी नहीं मिला सिवाय ब्रेड के, वीट के और कैक्टस के। ये विलेज सही में इतना ज़्यादा गरीब है ना भाई, क्या ही कहूँ यार। यहाँ पर एक एमरल्ड तक देखने को नहीं मिला मेरे को, तो मेरे को वैसे लग नहीं रहा मैंने कोई भी हाँ घर यहाँ पर छोड़ा, अगर छूट गया तो भाई कोई बात नहीं, मैं यहाँ पर हर जगह घूमा है, पर सही में यार मेरे को यहाँ पर कुछ भी देखने को नहीं मिला, सिर्फ यहाँ पर बकवास चीज़ें रखी हुई हैं। तो भाई मेरे को लग नहीं रहा यहाँ पर इतना मतलब कुछ है, मैं तो इस विलेज को देख के इतना खुश हो गया था भाई, मेरे को लग रहा था अच्छी खासी लूट मिल जाएगी, पर यहाँ पर कुछ भी नहीं है। तो भाई यहाँ पर आना तो हमारा वो हो गया वेस्ट। तौबा, थारा मूड खराब कर दिया। तो चलो भाई चलते हैं अपने घर वापस। ओके गाइस, तो यार आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी, और आप देख सकते हैं मैं आ चुका हूँ अपने घर वापस, और भाई अभी बाहर रात भी होने वाली है। तो भाई देखा जाए तो वो विलेज तो भाई बिल्कुल ही बेकार था, वहाँ पर इतना ज़्यादा वहाँ पर गरीबी छा रखी थी यार, मतलब मैं अपने सामान में से थोड़ा उनको दे दूंगा यार, बेचारे बहुत गरीब हैं। तो वहाँ पर हमें कुछ भी देखने को नहीं मिला सिवाय वीट के, ब्रेड के, और सिर्फ वहाँ पर कैक्टस ही पड़े थे भाई, मतलब एक बुक तक देखने को नहीं मिली, और वहाँ पर सिर्फ एमरल्ड ही थे, वहाँ पर कोई एमरल्ड भी हमें देखने को नहीं मिले। तो भाई वो विलेज तो बिल्कुल ही बेकार था। वैसे देखा जाए तो ये एपिसोड हमारे लिए अच्छा भी गया, क्योंकि भाई यहाँ पर देख सकते हो हमने अपना जो डायमंड का आर्मर है पूरा का पूरा एन्चेंट कर लिया विद ओपी एन्चेंटमेंट्स। बस यार जो मेरी स्वॉर्ड है ना यार, मेरे को इसका बड़ा दुख है, इसमें सिर्फ स्माइट 4 लग के आया, मेरे को लग रहा था कुछ और भी लग जाए तो अच्छा होगा। और मेरे को लग रहा है भाई मेरे पास अभी कोई मेंडिंग की बुक है नहीं ना, तो मैं सोच रहा हूँ यार जैसे मेरे को मेंडिंग की बुक मिलेगी तो मैं अपनी किसी ना किसी चीज़ पे लगा ही लूँगा, या फिर पिकैक्स जो है ना उस पे लगा लूँगा, पिकैक्स सबसे सही रहेगी मेंडिंग। और भाई बाकी चीज़ जो देखी जाए, जो हमारा पूरा का पूरा एडवेंचर था वो काफ़ी अच्छा रहा, मतलब हमें जो लूट मिली थी, जो ट्रेजर में लूट मिली थी वो भी काफ़ी अच्छी रही, और हमें रूइन पोर्टल से भी ठीक ठाक लूट मिल गई जो फ्यूचर में काफ़ी काम आएगी। जो हमें हार्ट ऑफ द सी मिला वो कॉन्ट्रीट बनाने के लिए हमें काफ़ी ज़्यादा काम आएगा। तो भाई मैं सोच रहा नेक्स्ट एपिसोड में हम क्या करें। तो यार अब मुझे पता है आप में से काफ़ी लोग सोच रहे होंगे कि भाई नेदर में जा, नेदर में जा, पर मैं सही में बताऊँ ना मुझे नेदर में बहुत डर लग रहा है जाने में। एक तो हम इतनी ज़्यादा गंदी बायो में स्पॉन हुए ना यार, मतलब कोई चारा ही नहीं है वहाँ से भागने का यार। तो मैं कहाँ पर भी जाऊँ यार, एक तो मैं ऐसे माउंटेन पे वहाँ पर स्पॉन हुआ हूँ जहाँ पर पूरा जो पूरा पूरा लावा से घिरा हुआ है, और वहाँ पर घास स्पॉन होते हैं, मतलब जो घास होते हैं वो स्पॉन होते हैं वहाँ पर। और तो भाई आप बताओ यार मैं कैसे जाऊँ यार वहाँ पर, अगर किसी के पास कोई सॉल्यूशन हो ना उसका तो प्लीज़ बताना यार, मैं तो ऐसे मर जाऊँगा वहाँ पर, ऐसे मैं सर्वाइव कर ही नहीं पाऊँगा। तो यार प्लीज़ यार किसी के पास कोई सॉल्यूशन हो, वैसे क्या ही सॉल्यूशन बताएगा, पर फिर भी जो लोग सोच रहे हो कि नेदर में जाओ, नेदर में जाओ, भाई अभी तक तो मेरे लिए बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है नेदर में जाना, और मेरे
को लग भी नहीं रहा जो हमारी नेदर फोर्ट्रेस हमारे पास आसपास होगी। और भाई जो लोग कमेंट्स में कोऑर्डिनेट लिख देते हैं कि भाई यहाँ पर आपको ये देखने को मिल जाएगा, यहाँ पर वो देखने को मिल जाएगा, तो भाई प्लीज यार ऐसा मत किया करो, यहाँ पर फिर पूरा पूरा मजा खराब हो जाता है। कोई लोग नेदर फोर्ट्रेस के कोऑर्डिनेट्स लिखने में पड़े तो भाई ऐसा मत करो, मैं अपने खुद से ढूंढूंगा नेदर फोर्ट्रेस। पर भाई सही में मेरे को काफी ज्यादा डर लग रहा है क्योंकि जिस माउंटेन में स्पॉन है वो पूरा पूरा लावा से घिरा हुआ है। पर कोई बात नहीं भाई, देखते हैं हम किसी ना किसी तरह तो भाई ढूंढ ही लेंगे नेदर फोर्ट्रेस और देखते हैं भाई हम नेदर को कैसे पूरा का पूरा पार करते हैं। ठीक है, तो गाइस आशा करता हूं आपको वीडियो अच्छी लगी हो। तो भाई आज की वीडियो का लाइक है मैं रख रहा हूं 300 लाइक्स यार, पिछली बार मैंने रखा था 400 लाइक्स और आपने कंप्लीट कर दिया, तो भाई थैंक यू सो मच। वैसे आपने 700 से ऊपर ही इसको कर दिया, तो भाई थैंक यू सो मच। तो यार आशा करता हूं आपको वीडियो अच्छी लगी हो, तो इसको लाइक कर देना, इसको शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।